करनी सेना के नेता सूरज पालमो की न्यायिक हिरासत बढ़ी, 2 फरवरी को होगी डीसीपी हेडक्वार्टर के सामने पेशी। गुरुग्राम पुलिस की एसआईटी सूरज पालमो को जल्द ही प्रोडक्शन वारंट पर ले सकती है, राष्ट्रीय करनी सेना के महासचिव सूरज पालमो पर भड़काऊ भाषण देने का है आरोप। करनी सेना के 2 जिला अध्यक्षों को एसआईटी ने किया गिरफ्तार, रेवाड़ी के जिला अध्यक्ष हरविंदर उर्फ पिंटू, उनके एक साथी लखन उर्फ कालू और गुरुग्राम के जिला अध्यक्ष देवीलाल उर्फ देविंदर को किया गया गिरफ्तार। सर्व कर्मचारी संघ का आज हरियाणा में प्रदेशव्यापी जेल भरो आंदोलन, गोहाना में प्रदर्शनकारियों ने फव्वारा चौक पर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। करनाल मार्केट कमेटी के 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, इन 5 अधिकारियों पर करनाल राइस सेलर्स को ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है। जिनमें 15 फरवरी को होने वाली बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की रैली का कांग्रेस ने विरोध करने का ऐलान किया है, जिनमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैठक कर बनाई विरोध की रणनीति, जिनके विकास को लेकर सौतेले व्यवहार को बनाया आधार। जिनके विकास का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश सरकार को दिया 15 फरवरी तक का अल्टीमेटम, कहा इस अवधि में जिनमें लंबित पड़े विकास कार्य शुरू नहीं हुए तो अमित शाह की जिंद रैली का करेंगे पुरजोर विरोध। भिवानी में नंदीशालाओं की हालत बेहद खराब, हरियाणा सरकार के दावों के उलट सड़कों पर आवारा घूमते दिख रही है नंदीशालाओं के टैग लगे गौवंश, कई बार सड़क हादसों की बनते हैं वजह। इस मामले में गौ सेवा आयोग के चेयरमैन भानी राम का दावा है कि गौशालाएं खोली जा रही हैं, सभी गौशालाओं को जगह मुहैया करवाई जा रही है, अगर किसी प्रकार की कोई शिकायत होगी तो जांच कराई जाएगी। फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा के पदाधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री अनिल विज से मुलाकात की, विवेकानंद स्कूल यमुनानगर के प्रिंसिपल की हत्या के मामले में सौंपा ज्ञापन, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाए जाने की रखी मांग। यमुनानगर के एक निजी स्कूल में हुई प्रिंसिपल की हत्या के मामले में निजी स्कूल एसोसिएशन ने बंद का आह्वान किया, गुरुग्राम में बंद का दिखा मिला जुला असर, कई स्कूल रहे बंद तो रयान और पटवेज स्कूल खुले रहे। फतेहाबाद में भूना मोड़ पर छोटे हाथी और स्कूल बस में हुई टक्कर, छोटे हाथी में सवार 6 लोग घायल, सर्व कर्मचारी की रैली में शामिल होने जा रहे थे, हादसे के शिकार।